नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिवरात्रि के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ उपाय जिसे करके हम इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में हर खुशी हमें मिल सके, चाहे वो सुख समृद्धि हो, धन दौलत हो, संतान प्राप्ति हो, विवाह हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सब कुछ हम भोलेनाथ की कृपा से पा सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और वो सभी देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इस शिवरात्रि हम सब पर अपनी कृपा करें और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन जागरण कर शिव पुराण का पाठ भी करना चाहिए, इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है सौभाग्य के लिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए महाशिवरात्रि पर ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक यानी कि दूध से उनका अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें। ऐसा करने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए। मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं और उसे जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिलाकर अर्पण करें। मंदिर में ही ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। शिवजी से अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्रार्थना करें। दोस्तों, तीसरा उपाय धन प्राप्ति व बरकत और रुके हुए धन के लिए। सुबह सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। ये सारी सामग्री एक एक करके अर्पित करें, एक साथ चीज़ों को ना मिलाएं। इसके बाद जल धारा से जल अर्पित करें। उसके बाद ओम पार्वती पतये नमः का 108 बार जप करें। रुके धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और धन की बरकत के लिए भी प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों, चौथा उपाय उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। पति पत्नी मिलकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पण करें, फिर शुद्ध जल की धारा अर्पित करें तथा संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। साबुत बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। यह उपाय पति पत्नी दोनों एक साथ करें तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, पांचवा उपाय शीघ्र विवाह के लिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके विवाह में कोई अड़चन या बाधा आ रही है, उनके लिए महाशिवरात्रि के दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर उतने ही बेलपत्र चंदन लगाकर अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। एक एक करके बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। वहीं गूगल की धूप जलाकर शिवलिंग को दिखाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों, छठा उपाय, अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक परेशान हैं, आपको पैसों की बहुत परेशानी है, तो आप शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके साथ ही भगवान शिव को प्रसाद के तौर पर गन्ना अर्पित करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सातवां उपाय महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक दही से करें।
अगर आप काफ़ी समय से वाहन खरीदना यानी कि गाड़ी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ऐसा करने से आपको कामयाबी जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, आठवां उपाय, रोजगार और नौकरी के लिए महाशिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते जाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल दोनों हाथों से अर्पण करते समय रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। जय भोलेनाथ, जय हिंद।